हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, आज मैं घर ला रहा हूँ एक पप्पी छोटा सा। ये गाइस मुझे मिला लोकल में ही, है ब्रीड ये पेंगसन, ये कोरिया की ब्रीड है। और गाइस मैं इसको आज घर ला रहा हूँ। अब पता नहीं क्या होता है घर ला के, घर वाले क्या रिएक्शन देते हैं, देखते हैं। तो अभी मैं गया हूँ उसको लेने के लिए। और ये मुझे मिला है बोहराकुंड में ही, कोई अपना ही भाई था, वो लाया था इसको मुक्तेश्वर से। तो गाइस ये देखिए छोटा सा पप्पी, तो अब ले चलते हैं इसको घर को। तो चलते हैं घर सीधे और घर वालों को देखते हैं रिएक्शन क्या होता है। तो ये है हमारी माता श्री, हम डॉगी लागे, कैसा लग रहा है आपको? तू ही पोछेगा इसकी लैटरिंग, मैं तो पोछूंगी भी नहीं, बात सही है। क्यों नहीं पोछेगी? या तू पोछेगा, दीक्षा पोछेगी, देख लेना तू, हम नहीं पोछेंगे। और घर आते ही सबसे पहले मैंने इसको दिया दूध, क्योंकि ये भूखा था और ये मस्त करके दूध पी रहा है अभी। मैंने वो आपकी मम्मी का रिएक्शन देखा, अब देखते हैं आगे क्या होता है। सरप्राइज। तो क्या कहना चाहेंगे आप? ये घर में कुत्ता चाहिए, आजकल समय खराब है, इसलिए कुत्ते के भाई से कोई नहीं आता है, इसलिए कुत्ता जरूरी है। ये पापा ने मेरा साथ दिया है। तो ये हमारा छोटा सा बटर, ये आज ही घर आया है, इसका नाम हमने रखा है बटर। तो आज का हमने ऐसे काम चलाओ मकान बनाया है, पर मैं इसका धीरे धीरे एक अच्छा मकान बनाऊंगा। यह है पुंगसन ब्रीड, ये कोरिया की ब्रीड है और ये एक शिकारी कुत्ता होता है। और ये स्वभाव का फ्रेंडली होता है और बहुत वफादार होता है। सो गाइस, एक डॉग हमारे पास और है, गोल्डन रिट्रीवर, और अभी एक हमारे पास जर्मन शेफर्ड है, और एक चाइनीज में और है। मैं अभी आपको दिखाऊंगा गोल्डन रिट्रीवर, ये है सामने आपके, जो एंटरटेनमेंट मूवी थी उसमें ये डॉग था। तो गाइस ये है जर्मन शेफर्ड, ये दो डॉग थे, एक मेल फीमेल, फीमेल को बाघ ने यहाँ से किडनैप कर लिया था और हमने शिकार बनाया था। बड़ी अभी सही है और बहुत ही शिकारी कुत्ता है, और बंदरों को बिल्कुल घर मतलब आने नहीं देता आसपास। तो गाइस एक ही हमारे पास है चाइनीज़ कुत्ता, इसका नाम हमने ईलू रखा था बहुत प्यार से, और ये हो गया है 15-16 साल का, अपनी अंतिम अवस्था में अभी इस टाइम है ये, कुछ दिनों का मेहमान है, देखो कब तक जीता है, बट 15-16 साल इसको यहाँ पर हो गए। और गाइस बहुत सोच विचार करने के बाद इसका नाम हमने रखा बटर, पंडित जी से पहले पूछा, पंडित जी ने बताया नाम बटर रखो, तो ये आ गया हमारा छोटा सा बटर। ऐसे मत उठाओ, हाँ हो जाएगी, छोड़ दो, हाँ ऐसे खेलो उसके साथ, चल मेरे पैर में खेल गो, ये 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 हाँ, छोटी बॉल दे उसको, वहां पर फेंकना, वहां जाएगा, उसने देखा ही नहीं यार, सुन रहा हूँ, बॉल देख को, ठंडा लग गया उसको जमीन में।
यह है हमारा नया फैमिली मेंबर बटर, और अभी छोटा ही है, अभी माँ से भी अलग हुआ तो उसको भूख लग जा रही है, तो रात को 1 बजे उठ के भी इसको दूध देना पड़ रहा है, नहीं तो हल्ला कर दे रहा है। सो गाइस, ये था मेरा छोटा सा ब्लॉग, आई होप आप लोगों को जरूर पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको बटर अच्छा लगा तो ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय।